लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है। सभी राजनीतिक दल जनता को साधने में जुट गए हैं। कहीं जनसभा को संबोधित कर जनता में जोश भरा जा रहा है, वहीं मेरठ में पीएम मोदी के रैली पर विपक्ष की नजर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने महागठबंधन यानी एसपी बीएसपी और आरएलडी पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, दूसरी तरफ ना नीति है, ना विचार है, ना ही नीयत है। आज एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद का बोलबाला है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अपना हिसाब दूंगा ही और साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा, ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे, तभी तो होगा हिसाब बराबर। चौकीदार हूँ भाई और चौकीदार कोई नाइंसाफी नहीं करता। इसी कड़ी में पीएम मोदी के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। साथ ही सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपना हिसाब दूंगा, लेकिन विदेश से काला धन लाकर गरीबों को 15 से 20 लाख और किसानों के कर्ज माफी व गरीबों को सुविधाओं को लेकर बिना वादा किए पीएम मोदी मैदान छोड़ चले गए, तो चौकीदार क्या ईमानदार है। साथ ही मायावती ने कहा कि व्यक्तिगत, जातिगत व सांप्रदायिक द्वेष व घृणा की राजनीति करना बीजेपी एंड कंपनी की शोभा है, जिसके लिए उनकी सरकार लगातार सत्ता का दुरुपयोग करती रही है। देश हित को सर्वोपरि मानकर ऐसी गरीब, लोकतंत्र व जन विरोधी सरकार से देश को मुक्ति दिलाने के लिए बसपा सपा आरएलडी ने गठबंधन किया है। आपको बता दें कि मेरठ में जनसभा को संबोधित कर मोदी ने सपा, बसपा और आरएलडी का तुलना शराब से कर डाली, ये कितना वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।